सभा में जो अपना घर चूल्हा संभाल के हमारी गृहिणी पूरे साल घर में रहती है, उन सभी महिलाओं के लिए ये श्रावणी महोत्सव मैं आयोजित करती हूँ। इसमें दहिसर विधानसभा में रहने वाले सभी समाज के लोग, श्रावण महीना ये सभी के लिए एक पवित्र महीना रहता है। पवित्र मास में हरियाली होगी तो उत्तराखंड के लोग है, गुजराती लोग है, पंजाबी लोग है, आदिवासी लोग है, कोली लोग है, महाराष्ट्रियन लोग है, ये सभी अपनी पारंपरिक जो संस्कृति है उनके लिए स्टेज अवेलेबल करके देती हूँ। और इनमें जो कला है वो कला अपने कला मंच के ऊपर सादर करने का उनको मौका मिलता है। और हमारी महिला 2-2.5 महीने से अपनी प्रैक्टिस करके ये परफॉर्मेंस करती है, उनको, उनके फैमिली को, और खास करके 75 इयर्स की महिला भी आज यहाँ परफॉर्मेंस कर रही है। छोटी सी गुड़िया 7-8 साल की, उसने भी अच्छा ऐसा लावणी प्रस्तावित किया। तो ये महिलाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हर साल आप देखेंगे तो खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, पूरा ऊपर नीचे प्रबोधन भर गया, ऐसा हमारा श्रावणी महोत्सव हम लोग करते हैं। सर्व जास्त चर्चा दहिसर विधानसभेची आहे। हे बघा, दहिसर विधानसभेमध्ये कमळ नक्कीच खिलणार आहे आणि हॅट्रिक सुद्धा कमळ मारणार आहे, त्यामुळे लोकांनी कुठच्याही चर्चेला हे करू नये। मुंबईमध्ये सर्वात जास्त महायुतीचे आमदार निवडून येणार आहेत आशिष शेलारांच्या नेतृत्वाखाली, आणि देवेंद्रजी शिंदेजी आणि अजितदादा पुन्हा हा मुख्यमंत्री महायुतीचा होणार आहे।